सुशांत मामले को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने। जब से बिहार पुलिस सुशांत मामले में जांच करने के लिए मुंबई पहुंची है, उसके बाद से ही कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस जांच में मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का साथ नहीं दे रही। दरअसल कई लोग मुंबई पुलिस के रवैये से खुश नहीं है। हाल ही में खबरें आई थी कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा की फाइल्स का फोल्डर मुंबई पुलिस ने अनजाने में डिलीट कर दिया। वही सुशांत मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को भी क्वारंटीन कर दिया गया, जिसके बाद से ही अब मुंबई पुलिस पर कई और सवाल खड़े हो गए। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने मुंबई पुलिस पर लग रहे आरोपों पर सफाई देते हुए उन्हें नकार दिया। सुनिए जरा। कोई भी अगर बाय एयर ट्रैवल करता है तो उनके लिए अगर वो कुछ निश्चित काल में वापस जा रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी केसेस हैं हर एक में होम क्वारंटाइन आवश्यक है। तो बीएमसी ने अपने रूल के हिसाब से कार्रवाई की होगी आई एम श्योर। जिस तरह से बिहार पुलिस की तरफ बर्ताव किया जा रहा है, बकायदा बोल रहे हैं कि उनको गाड़ी नहीं दी गई है, अकोमोडेशन नहीं दिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से, कॉरपोरेशन नहीं मिल रहा है किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन को। उनको गाड़ी भी दी गई है डीजी ऑफिस की तरफ से, और जो आईपीएस मेस हमारी वर्ली में है वहाँ पे कुछ कोविड के केसेस हुए थे, उसके बाद वर्ली मेस में आईपीएस मेस में कोई रूम अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी मेन मेस है हमारी एसआरपीएफ की मेस गोरेगांव में, वहाँ पे बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को रूम दिया गया था, तो ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। सर, कुछ दिन पहले रिक्शा में घूमते हुए नजर आए, तो उसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी नहीं दी गई थी जो बिहार के जो पुलिस जो इंस्पेक्टर्स आए थे एसपी के पहले जो आए थे। हमने ये भी देखा था किसी एक बड़ी गाड़ी में भी वो लोग घूम रहे थे और बाद में ऑटो रिक्शा में भी शायद घूमते, कुछ हमारे से उन्होंने गाड़ी ना मांगी थी और हमारे पास कुछ कागज़ पत्र मांगने के लिए, केस से संबंधित कागज मांगने के लिए अवश्य हमारे पास आए थे। और हमने तब भी यही कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही कहा कि जुरिसडिक्शन तो हमारा है इन्वेस्टिगेट करने का एज़ पर CRPC, अगर उनके पास कोई विशेष अधिकार है तो हमसे शेयर करें कि किस प्रकार से अपने जुरिसडिक्शन से बाहर आके हमारी जुरिसडिक्शन में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इसीलिए इस पॉइंट को एग्जामिन करने के लिए हम इसके बारे में लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। सर, जो दिशा जा रही है मुंबई पुलिस की, कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रही है या फिर बिहार पुलिस कुछ अलग से एंगल लेके आई है इसमें? बिहार पुलिस का एंगल मुझे मालूम नहीं इसमें क्या है, लेकिन हमारा एकदम एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कंडक्ट कर रही है, जो कि हमारे DCP Zone 9 खुद सुपर